कैंसिल करना पड़ा, सब कुछ हमारा ख़राब हो गया। हमारा रात काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी जिसकी वजह से ये लोग आज दूसरे दिन ही सारा जो चारे और जो सामान था वो सारा हटा दे रहे हैं, नहीं तो 3 दिन तक ईद के ये लगा रहता है। बट बारिश का कुछ भरोसा नहीं है, अभी वेदर ठीक है लेकिन रात हो जाती है काफ़ी तेज़, तो उसकी वजह से चारे हैं और खाने का सामान वगैरह जो भी है वो ख़राब हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो ये लोग इसको हटा दे रहे हैं दूसरे दिन ही सुबह के टाइम। देखिए मैंने कहा था ना कि रात का कोई भरोसा नहीं होता है, रात को वेदर कुछ भी हो जाता है। ये चेक करें आप, बादल कितने हसीन खूबसूरत लग रहे हैं। हमारे घर की लाइट नहीं है पर सामने आसपास हर तरफ लाइट आ रही है। आई डोंट नो आज सुबह 12 बजे से हमारे घर की लाइट नहीं है, लेकिन ये मौसम देख के पूरा मूड अच्छा सा हो गया। ये देखो हम जब समुंदर जाते हैं ना तो दूर से समुंदर को देख रहे होते हैं ना, तो लहरें इस तरह से, ये जो ये बादल है ना इस तरह से शो हो रही होती है। बहुत ही हसीन तरीन मौसम हुआ हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो कैप्चर कर लेते हैं इसको। ये चेक करें, जनरेटर को रेस्ट ना देना पड़े, ऑफ़ ना करना पड़े, तो हमने यहाँ पे जुगाड़ लगाया और पंखा जनरेटर के सामने रख दिया ताकि ये ठंडा होता रहे और इसे ऑफ़ ना करना पड़े। आज ईद का सेकेंड डे है और हमने काफ़ी सारी चीज़ें आज प्लान की थी कि हम शेयर करेंगे, ब्लॉगिंग करेंगे, शेयर करेंगे आपके साथ, पर सब कुछ हमें कैंसिल करना पड़ा। सब कुछ हमारा ख़राब हो गया, हमारा आइडिया, हमारा प्लान, सब कुछ हमें कैंसिल करना पड़ा। हमारी पूरी सेकेंड डे जो ईद है वो हमारी पूरी स्पॉइल गई है, वो इसलिए क्योंकि कल रात भर बारिश होती रही है शिद्दत से, मतलब बहुत तेज़ आवाज़ वाली बारिश होती रही है, जो कि यहाँ कराची में तो बिल्कुल नहीं होती है लेकिन यहाँ पर हो रही थी कल। और सुबह 12 बजे से हमारी लाइट नहीं है और अभी रात के 1 बज रहे हैं, अभी तक लाइट नहीं आई है, हम जनरेटर पर जिंदा हैं। तो सब मतलब कुछ भी दिल नहीं करा, ना तैयार होने का दिल करा है मेरा, हो यह देख के लगी रहा होगा, ना मैंने न्यू ड्रेस पहनी है, ना मैंने कोई तैयारी की है, ना कोई ब्लॉग किया है, ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी थोड़ा बहुत हो सकता मुझसे मारिया से, जो भी हमने कर दिया है शूट पार्ट, जो आज का हमने सेकेंड डे का सोचा था वो कुछ भी नहीं हो पाया, वो सारा हमारा स्पॉइल हो गया। सो आज का हमारा जो भी बहुत ही गंदा दिन गया, हमने जो सामान फ्रोज़न किए थे वो आप इमेजिन कर सकते हो कि दोपहर 12 बजे से गई भी लाइट 1 बजे तक, अभी तक फ्रोज़न वाले सामान का क्या हशर होगा, उसकी भी बड़ी टेंशन हो रही है, उसकी भी बड़ी फिक्र हो रही है कि पता नहीं क्या होगा, उसका भी बचेगा भी कि नहीं बचेगा वो सामान अब, और क्योंकि लाइट आने का कोई आसार नहीं है। जनरेटर तो चल रहा है पर वो जनरेटर का भी इतना शोर आ रहा है ऊपर से, फिर दोपहर 12 बजे से चल रहा है तो उसको भी रेस्ट देना है। तो खैर वो सोच के तो हम लोग का दिल ही बन हो गया कि इसको रेस्ट देना है इतनी गर्मी में, क्योंकि बारिश बेशक हो रही है पर वेदर बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ है, गर्म नहीं है वेदर। सो हम लोगों ने एक छोटा सा जुगाड़ लगाया, एक पंखा लगा दिया जनरेटर के पास, वो मैंने उसकी क्लिप बनाई है, मैं उसमें ऐड करूँगी आप देखना। तो अभी तक तो हम लोगों ने जनरेटर को रेस्ट नहीं दिया है, अल्लाह करके लाइट आ जाए, नहीं तो फिर जनरेटर को रेस्ट करना देना पड़ेगा, ऑफ़ करना पड़ेगा और फिर गर्मी में पता नहीं क्या होगा। मेरी शक्ल देख के अंदाजा लगा लो कि मतलब बहुत ही बुरा दिन गया हमारा, पूरा सेकेंड डे ईद स्पॉइल हो गई हमारी। सो बस दुआ है कि जल्दी लाइट आ जाए। और इसी के साथ आप मुझे और मारिया को दोनों को इजाज़त दीजिए, मारिया भी ब्लॉग में आती रही जैसे आपको पता है कि उसकी तबीयत ख़राब है, तो और ऊपर से लाइट भी नहीं है तो दिमाग में टेंशन रहती है ज़्यादा, तो हमें फ्रोज़न की हमने टेंशन है कि उसका क्या होगा। खैर तो वो रेस्ट कर रही है इसलिए वो एंड करने नहीं आई है ब्लॉग का। तो हम दोनों को आप इजाज़त दीजिए और आज का जो भी ब्लॉग था बस वो ही हो सका, कुछ स्पेशल हम नहीं कर पाए, वो हो चुका है लिटरली। मैं सारा किचन और मैं सारा ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोज़ को लाइक कर लें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।